हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि जब भी हम कभी कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को बनाते समय उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है। जैसे कि उसके अंदर कुछ पिक्चर्स डल जाती हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट आता है या फिर कोई साउंड इफेक्ट आ रहा है, उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आखिर हम कहाँ से करते हैं? क्योंकि कैमरे पर तो नॉर्मल वीडियो बनती है। उस चीज़ को करने के लिए एक ऐप का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ऐप हैं जिन्हें यूज़ कर अभी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपना ये सब एडिटिंग कर सकते हैं। बट मैं जो आज आपको सिखाने वाली हूँ वो है काइनमास्टर ऐप। काइनमास्टर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे काइनमास्टर, काइनमास्टर एंड देन उस पर क्लिक करेंगे। मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी काइनमास्टर अपलोडेड है, तो इसलिए वो मुझे डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये लिखेंगे तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर फिर वो आपको ओपन का ऑप्शन दिखाएगा। उस ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए यहाँ पर काइनमास्टर आ गया। मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि वो डेस्कटॉप पर कहाँ जाता है डाउनलोड होने के बाद। जैसे ये देखिए, जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको अपने आइकन्स जो यहाँ पर दिखते हैं, शो होते हैं, वहाँ दिखेगा। ये दिख रहा है आपको काइनमास्टर है। आप डायरेक्ट यहाँ जाकर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये किस तरीके की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। सबसे फर्स्ट स्क्रीन होगी, वो आपको कुछ चीज़ें कहेगा हार्डवेयर और वो, तो आप उसे कैंसिल और रिमाइंड मी लेटर कर छोड़ सकते हैं। अब ये आपका काइनमास्टर खुल गया है। मैं ऑलरेडी इस ऐप को यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर ये वीडियो शो हो रही है साइड में, नहीं तो वहाँ ब्लैंक आता है आपका। यहाँ पर आपको नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ क्रिएट, सेकंड एडिट और थर्ड शेयर। हमें लेना है सेकंड वाला ऑप्शन, बीच वाला जिस पर प्लस का साइन है, इट्स अ एडिट ऑप्शन। मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे वो पूछ रहा है कि सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशो ऑफ द प्रोजेक्ट। ये वाला जो स्टेप हम कर रहे हैं वो है हमारी काइनमास्टर के अंदर हम किस तरीके से वीडियो को इंसर्ट करेंगे। हम आज सिर्फ यही सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें से ये आपको तीन यहाँ पर फॉर्म दिखा रहा है। एक है 16:9, सेकेंड है 9:16 और एक है 1:1। आप इनकी फिगर के अकॉर्डिंगली ही देख पाएंगे। एक दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है बट एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है और एक है स्क्वायर। तो आपको अपनी वीडियो किस पोजिशन में एडिट करनी है वो आपको देखना है। तो मैंने जैसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया 16:9, तो वो मुझे इस तरीके से एक मीडिया ब्राउज़र के नाम से खोल कर दे देगा। इस मीडिया ब्राउज़र के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मेरे फ़ोन के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ शो होंगी। स्क्रीनशॉट्स हैं, व्हाट्सएप इमेजेस हैं, व्हाट्सएप वीडियो है, कैमरा है, पिक्चर कॉलाज है, मतलब जो भी है। तो अब आपको देखना है कि आपकी वीडियो है कहाँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ से खोला व्हाट्सएप वीडियो। व्हाट्सएप वीडियो के अंदर ऑलरेडी मेरे पास दो वीडियोज़ हैं। आपको जौन सी भी वीडियो अपनी इंसर्ट करनी है, जो एडिट करनी है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे ये वीडियो यहाँ नीचे शो हो गई। देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आपको पूरी वीडियो दिख रही है। अब जहाँ पर व्हाट्सएप वीडियो लिखा है उसी के राइट हैंड साइड में आपको एक राइट क्लिक दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर आपकी वो वीडियो इंसर्ट हो जाएगी, जहाँ से आप देख पाएंगे कि आपकी वीडियो किस तरीके से चल रही है। ये देखिए आपकी पूरी वीडियो, हम नीचे से इसको स्क्रॉल कर देख सकते हैं कि हमारी पूरी वीडियो आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हम किस तरीके से इस वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं काइनमास्टर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के फंक्शंस बताऊंगी। ओके, गुड बाय।